हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा व्लॉग है अकोला से पुणे ट्रैवलिंग का। तो पहले मैं बाइक से ट्रैवल करने वाला था, लेकिन बाद में मैंने सोचा इतना दूर बाइक से जाना सही नहीं रहेगा क्योंकि लगभग 500 किलोमीटर है। तो मैं मेरी बाइक ट्रैवल्स में लेके जाने वाला हूँ। उसके लिए मुझे बहुत सारा पैसा भी लगा है, जैसे कि 1500 रुपये उन्होंने टिकट लिया है। तो अभी मैं बस का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही बस आती है मैं उसमें बाइक डालूंगा और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं बस में बैठ चुका हूँ, मेरी बाइक ऑलरेडी मैंने गाड़ी में डाल दी है। वो वीडियो में सॉरी निकाल नहीं पाया, लेकिन अभी चलो ये सफ़र एंजॉय करते हैं। अभी हमारी गाड़ी खाना खाने के लिए रुकी है। मेरा खाना हो गया, मैं घर से ही लाया था। तो ये देखिए मेरी गाड़ी चिंतामणि, मैं फ्रंट व्यू भी आपको इसका दिखा दूंगा। अभी इस होटल पे हम रुके हुए हैं जिसका नाम है विसावा। गुड मॉर्निंग, मैं पुणे मध्ये पोचले आहो। रात्री मला झोप लागली होती, त्यामध्ये मेहकर, जालना, संभाजीनगर आणि अहमदनगर कधी निघून गेलं कळालंच नाही। आता पुण्याच्या मी जवळपास खराडी एरियामध्ये आहो। तर हे बघा, खराडी बायपास खूप दिवसानंतर। ही अभी हम एरवाडा में है। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, पुणे की रिवर हम देख सकते हैं। ये वन वे है, एक साइड से जाना पड़ रहा है, दूसरी साइड से हम अभी रिटर्न आने वाले हैं जहाँ से हम संगम औड़ी जाएंगे। ये देखिए मेट्रो का काम अभी भी चल रहा है। कुछ कुछ प्लेसेस पे पुणे में मेट्रो स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी बहुत सारे जगह पे स्टार्ट होना बाकी है। ये ऊपर एक महादेव का मंदिर भी है, अच्छा मंदिर है। मेरा बस अभी संगम औड़ी के बस स्टॉप पे रुका हुआ है। जिन लोगों को यहाँ पे उतरना है वो यहाँ पे उतर रहे। इसके बाद मेरा ये पीछे से सेकेंड लास्ट सीट था, वो भी ऊपर वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चढ़ने उतरने की बहुत तकलीफ होती है, तो मेरे बैग से इसलिए आगे का एक सीट खाली है, तो मैं उस शिफ्ट पे अभी शिफ्ट हो रहा हूँ। ये देखिए अभी ये ऊपर की सीट है, ये मैं नीचे के सीट पर अभी शिफ्ट हो गया हूँ। और हम संगम औड़ी से निकल गए। तो ये है मेरी बाइक जो मैं बस में डाल के अभी लाया हूँ। बस में डाल के एक ही एक प्रॉब्लम होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे मेरी बाइक थोड़ी सी घिस गई है, ये वाला देखिए। तो नई गाड़ी है, लगभग 1.5-2 साल ही हुए मेरे गाड़ी को, और बस के लाने की वजह से नई गाड़ी को स्क्रैच चढ़ गए। लेकिन इतने दूर चढ़ के आना वो भी पॉसिबल नहीं था, तो थोड़ा सा तो लॉस होता ही है। ये देखिए अभी मैं नासिक फाटा पे हूँ, देख सकते हैं यह है पुणे का नासिक फाटा। अभी यहाँ से मुझे मेरे दोस्त के रूम पे ग्रोसरी में जाना है, वहाँ से मैं थोड़ा फ्रेश होके रूम हंटिंग के लिए निकल जाऊँगा। रूम हंटिंग का मैं नया वीडियो मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करने वाला हूँ। मैं अभी मेरा हेलमेट पहन के तैयार हूँ। मैं अभी खड़ा हूँ नासिक फाटा पे। तो मैं अभी यहाँ से निकलने वाला हूँ ग्रोसरी के लिए, वहाँ पे मेरा दोस्त आएगा मुझे लेने। अभी मैं पुणे पहुंच चुका हूँ, ये मेरा कजिन भाई है, ये मुझे लेने आए। तो यहाँ से हम थोड़ा नाश्ता करेंगे और उसके बाद रूम पे जाएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलूँगा मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में।